हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर तो आज हम एट्थ अप्रैल का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इफ यू वांट टू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन ज्वाइन आपको लिंक एंड चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है इन ब्लो टू इमरान पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट री हाउस ऑर्डर्स वोट तो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के एडवाइस करने पर प्रेसिडेंट ने नेशनल असेंबली को यहाँ पर डिज़ोल्व कर दिया था लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर नेशनल असेंबली को डिजोल्व किया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दे दिया है कि नेशनल असेंबली को वापस से रिकनवीन किया जाएगा और यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोट होगा तो इन अ बॉडी ब्लो टू तो इमरान खान पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे डे स्ट्रक डाउन अ कॉन्ट्रोवर्शियल रूलिंग बाय द डेप्टी स्पीकर ऑन द रिजेक्शन ऑफ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिम एंड ऑर्डर री स्टोरेशन ऑफ द नेशनल असेंबली सेइंग द प्राइम मिनिस्टर्स मूव टू डिजोल्व द पार्लियामेंट एंड कॉल अर्ली इलेक्शंस वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने इसके अलावा डिक्लेयर किया जो एडवाइस यहाँ पर इमरान खान ने दी थी प्रेसिडेंट को नेशनल असेंबली को डिजोल्व करने की वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इसीलिए अब यहाँ पर वापस से नेशनल असेंबली को रिकनवीन किया जाएगा और यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर वोटिंग होगी इसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगे हम ट्रैक करते रहेंगे और हम स्टडी करते रहेंगे सेकंड न्यूज़ है मैसेज टू मॉस्को अगर आपको ये लग रहा हो कि ये मैंने न्यूज़ क्यों पढ़ाई थी पाकिस्तान वाली तो बेसिकली एक टॉपिक है कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पता होना चाहिए इसीलिए मैंने आपको ये न्यूज़ पढ़ाई थी सेकेंड है मैसेज टू मॉस्को यहां पर यू में वोटिंग हो रही थी कि रशिया को यूएनएचआरसी से बाहर निकाल देते हैं तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली थर्सडे सस्पेंडेड रशिया फ्रॉम द यू एन तो यहाँ पर वोटिंग हुई और वोटिंग इज फेवर मोयू कि रशिया को सस्पेंड कर देना चाहिए फ्रॉम द यू एन अब यू एन क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन पेज में तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली थर्सडे सस्पेंडेड रशिया फ्रॉम द यू एन ओवर रिपोर्ट्स ऑफ क्रॉस एंड सिस्टमैटिक वायलेंसिस एंड अब्यूजेज ऑफ ह्यूमन राइट्स इन यूक्रेन तो बेसिकली जो बूचा में हुआ उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि यहाँ पर रशिया को सस्पेंड कर देना चाहिए यू से फिर यहाँ पर वोटिंग हुई और यहाँ पर वोटिंग इज फेवर मोयू के तो रशिया को यहां पर सस्पेंड कर देना चाहिए अब इंडिया ने क्या किया तो इंडिया ने यहां पर किया है तो इंडिया अब्सटेंड इन द वोट दैट इंडिक्टेड रशियन सोल्जर्स फॉर किलिंग सिविलियंस वाइल रीट्रीटिंग फ्रॉम टाउन्स नियर यूक्रेनियन कैपिटल कीव अब यूएस एस लेट पुष्ट जो यूएस चाहता था यहाँ पर रशिया को सस्पेंड कर देना चाहिए तो उसको मिले हैं नाइनटी थ्री वोट्स ट्वेंटी फोर कंट्रीज़ ने नो को वोट किया है और फिफ्टी एट कंट्रीज़ ने यहाँ पर अपसेन किया है टू थर्ड मेजारिटी की जरूरत थी यहाँ पर रशिया को बाहर निकलने की लेकिन कैच ये है कि टू थर्ड मेजोरिटी की जरूरत थी लेकिन यहाँ पर जो अपस्टेन कर रहे हैं उनके वोट्स काउंट ही नहीं होते हैं तो फॉरन अपस्टेन एब्सटेंटेशन इट डज नॉट काउंट टू कैलकुलेट द टेली इसीलिए बेसिकली रशिया का यही कहना था कि आप यहाँ पर अपस्टेन मत करना तो ऐसा इन्होंने सारे ही कंट्रीज़ को एक तरीके की वार्निंग दी थी तो रशिया एड कंट्रीज़ दैट ए येस वोट और एप्सटेंटेशन विल बी व्यूड एज एन अनफ्रेंडली फ्रेंडली लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर हमने अपस्टेन नहीं किया है क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं हमें क्या करना है इसके बाद हमने वेस्ट को भी कुछ बोला अब वेस्ट को हमने एक मैसेज ये दिया है कि आपको पहले ये मैटर यू एन एच आर सी के सामने रखना चाहिए था बूचा किलिंग्स का उसके बाद ये डिसीजन लेना चाहिए था इन्वेस्टिगेशन के बाद जो यहाँ रिजल्ट आता उसके बाद आपको ये डिसीजन लेना चाहिए था कि रशिया को सस्पेंड करना है या नहीं करना है तो डेलीस पॉइंट इज दैट इट शुड हैव बीन ब्रॉट बिफोर द ह्यूमन राइट्स काउंसिल फर्स्ट एंड नॉट द यू एन जी ए तो पहले ही आपने यू एन एच आर सी से रशिया को सस्पेंड करवा दिया पहले एक बार मैटर की इन्वेस्टिगेशन तो होने देते तो पहले मैटर को यहाँ पर एच आर सी के सामने लाया जाता तो, तो दिस इज अ सिग्नल टू द वेस्ट कि भले ही यहाँ पर रशिया को सस्पेंड कर दिया गया फ्रॉम द यू एन एच आर सी लेकिन ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है तो दिस इज द सिग्नल टू द वेस्ट दैट ड्यू प्रोसेस हैज़ नॉट बीन फॉलोड समथिंग दैट इंडियन इंटरलोक्यूटर्स कैन ड्रॉ मॉस्कोज अटेंशन टू तो ये अब आपको समझ आ गया हो फिर उसके बाद हम यू एन एच आर सी के बारे में एक्सप्लेन पेज में डिस्कस करेंगे अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है आई विक्रांत आई विक्रांत इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था 1971 वॉर में जब बांग्लादेश को लिबरेट किया गया था इसको डी कमीशन कर दिया गया था 1997 में और स्क्रैप कर दिया गया 2014 में तो इट वाज डी कमिशन इन 1997 एंड प्रिजर्व एज अ म्यूजियम टिल टू बिफोर बींग सोल्ड एंड स्क्रैप्ड इन नवंबर ट्वेंटी तो आपको बस ये पता होना चाहिए आई विक्रांत हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था फॉरेस्ट वाइज फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी अप इन टू डेकेट्स स्टडी तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था एक इम्पैक्ट ये भी है तो कहीं आपको कोट करना तो आप कर सकते हैं इस रिपोर्ट को तो so, ये रिपोर्ट है सी ई डब्ल्यू की तो काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर तो द फ्रिक्वेंसी इन इंटेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट वाइज एज वेल एज द नंबर ऑफ मंथ्स इन विच सच फायस अकर हैव इंक्रीज इन दास्ट टू डेकेट्स स्टडी और यह रिपोर्ट क्या है मैनेजिंग फॉरेस्ट वाइस इन अ चेंजिंग क्लाइमेट जिसमें हमें यह पता चला जो फॉरेस्ट वायरस इंक्रीज हुआ है वो टेनफोल्ड इंक्रीज हुआ इन द पास्ट टू डेकेट्स एंड दैट मोर देन सिक्सटी टू परसेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स जो है, वो प्रोन हैं वो प्रो ना टू हाई इंटेंसिटी फॉरेस्ट फायर्स फिर यहाँ पर सरस्का के बारे में पता है क्या सरस्का आपको पता है सरस्का यहाँ पर राजस्थान में तो द रिसेंट इंसीडेंट एट सरस्का फॉरेस्ट रिजर्व ऑज द फोर्थ फॉरेस्ट फायर इन दैट वीक तो बेसिकली यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फॉरेस्ट फायरस की फ्रिक्वेंसी भी बड़ी है इंटेंसिटी भी बड़ी है कोविड एंड पॉवर्टी तो कल मैंने आपको बताया था कि एक आई एम का वर्किंग पेपर है उससे ये पता चला है जो इंडिया में पैंडमिक ईयर में एक्सट्रीम पॉवर्टी थी वो पॉइंट एट परसेंट पर थी जो कि 2019 में थी तो उतना ही लेवल रहा है तो यहाँ पर ऑथर ने बोला कि जो डेटा है जिस डेटा को यहाँ पर कोड करके आई का ये कहना है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो कम रही है तो बेसिकली वो डेटा में ही प्रॉब्लम है डेटा में ही फ्लॉज है तो एस्टिमेटिंग पॉवर्टी एंड इन इक्वालिटी इंडिया हैज़ बीन अ कॉन्ट्रोवर्शियल एंड कंटेंशियस प्रोसेस ओपिनियंस डाइवर्स नॉट ओनली ऑन द डेटा विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द एस्टिटेशन अगर रिसेंट टाइम्स में देखें तो दो हजार सत्रह अठारह का कंजम्शन एक्सपेंडिचर सर्वे अभी तक रिलीज नहीं किया गया तो रिसेंट टाइम्स द विद्रॉल ऑफ द ट्वेंटीटी एटीन कंजम्पन एक्सपेंडिचर सर्वे तो उसकी वजह से अनसर्टनिटी और बहुत ज्यादा बढ़ रही है हमारे पास जो कंजम्पन एक्सपेंडिचर सर्वे है वो हमारे पास अभी दो हज़ार ग्यारह बारह का है तो दो हज़ार ग्यारह बारह का जो हमारे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है आई ने क्या किया आई ने उसको पोलराइज किया तो इन द एबसेंस ऑफ बेसिकली पोलेट किया एक्स्ट्रा पोलेट किया तो इन द एबसेंसेंसेंसेंसेंस ऑफ रिलायबल एंड टाइमली डेटा इन द पब्लिक डोमेन वेरियस इकोनॉमिस्ट हैव पुट फोर्थ देयर असेसमेंट्स ऑफ पॉवर्टी एंड इन तो आई वर्किंग पेपर ड्रॉज ऑन दट टू थाउजेंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे और यहाँ पर आई ने कुछ एडजस्टमेंट कर लिए हैं दो हज़ार को फुलफिल करने के लिए एंड इन कार्पोरेट्स इन काइंड ट्रांसफर्स तो बेसिकली यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट ने ट्रांसफर किए जैसे कि पाँच किलो अनाज जो यहाँ पर ट्रांसफर किया था इसके अलावा जो भी पाँच सौ रुपये दिए गए थे तो ये सब यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड किया और इसके बाद इन्होंने एक डेटा एक्स्ट्रा अपलोड करके ये बताया कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है इंडिया में वो पॉइंट एट परसेंट रही है दो हज़ार बीस में भी और दो हज़ार उन्नीस में भी पॉइंट एट परसेंट ही थी तो इन लार्ज पार्ट सच डिबेट्स ऑफ द स्टेट ऑफ़ द इंडियन इकॉनमी कैन बी ट्रेस टू द एब्सेंस ऑफ टाइमली एंड एकोरेट पब्लिक डेटा तो हमारे पास डेटा की बहुत ज़्यादा कमी है अब डेटा की कमी से लोगों को तो नहीं पता चलता कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है इसकी वजह से गवर्नमेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि अगर गवर्नमेंट को यही नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है तो उसकी वजह से पॉलिसीज़ कैसे बनेंगी तो इंडिया हैज़ हैज़ अ रिच स्टैटिस्टिकल ट्रेडिशन पॉजिटिव ऑफ ऑफ डेटा बीन द द पॉलिसी मेकिंग तो यहां पर हमारे पास डेटा होना चाहिए तो गिवन दैट डेटा शुड फॉर्म द बेड रॉक ऑफ रिस्पॉन्सिव पॉलिसी मेकिंग द गवर्नमेंट मस्ट वर्क टुवर्ड्स एड्रेसिंग द ग्लेयरिंग डेटा गैप्स तो यहां पर डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है और डेटा के बेसिस यहां पर पॉलिसी बनाने की जरूरत है नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ब्रिक्स फॉर अ न्यू ऑर्डर तो ब्रिक्स एक मल्टीपोलर वर्ड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल तो ब्रिक्स इज डेवलपिंग इन अ डायरेक्शन दैट वाज नेवर एन ब्रिक्स में आपको पता है ब्राज़ील चाइना रशिया इंडिया और यहाँ पर साउथ अफ्रीका जैसे पाँच कंट्रीज हैं तो so, पहले ब्रिक हुआ करता था बाद में यहाँ पर साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया फिर ये एक्रोनिम जो हो गया ये हो गया ब्रिक्स जो ब्रिक्स है ब्रिक्स की अपनी एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है और न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो पैसा रखा हुआ है वो है हंड्रेड बिलियन डॉलर तो ब्रिक्स कंट्रीज डिसाइडेड टू क्रिएट द हंड्रेड बिलियन डॉलर ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक इसके अलावा इन्होंने एक कंटीजेंटी रिजर्व भी क्रिएट कर रखा है सौ बिलियन डॉलर का अब ये क्यों कर रखा है ये इसीलिए कर रखा है ताकि अगर डेवलपिंग कंट्रीज को कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हें हर बार वेस्टर्न कंट्रीज के पास जाने की जरूरत नहीं है वो यहां से भी फंड ले सकते हैं तो ब्रिक्स कंट्रीज डिसाइडेड टू क्रिएट द हंड्रेड बिलियन डॉलर ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक एंड अ रिजर्व करेंसी पूल वर्थ ओवर अनदर हंड्रेड बिलियन डॉलर टू ऑफर एन एनटिव टू कंट्रीज इन द नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड जब यहाँ पर उनको सोर्स ऑफ फंडिंग चाहिए हो तो वो यहाँ से भी ले सकते हैं तो बेसिकली यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंस कम होगी वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंस कम होगी तो मल्टी पोलर वर्ल्ड को एक पुष्ट मिलेगा द ब्रिक्स स्टेट्स आर डिफरेंटली इन मैनी रिस्पेक्ट्स एंड द डिसएग्रीमेंट्स विद द वेस्ट अगर हम देखें तो ब्रिक्स स्टेट का कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट रहता है वेस्ट के साथ फॉर एग्जांपल जो ब्राज़ील है ब्राज़ील जो यहाँ पर लैटिन अमेरिका को उसकी बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट टेंडेंसीज है और वेस्ट की क्या टेंडेंसी होती है वेस्ट की यहाँ पर कैपिटलिस्ट टेंडेंसी है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्राज़ील का डिसएग्रीमेंट है विद द वेस्ट जो साउथ अफ्रीका है साउथ अफ्रीका की सिचुएशन में भी यही है जो लोकल कम्युनिस्ट है वो बिलोंग करते हैं रूलिंग कोलेशन को वेल द वेस्ट इज अक्यूज ऑफ अबेटिंग द ओल्ड ऑर्डर तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के साथ भी प्रॉब्लम है अब जो इंडिया है इंडिया को एस सच वेस्ट की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उससे प्रॉब्लम नहीं ठीक है उनको डेमोक्रेसी चाहिए ह्यूमन राइट right चाहिए हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है लेकिन यह यहाँ पर जो मोरल वैल्यूज़ यहाँ पर वेस्ट प्रोपेगेट करता रहता हमें है हमें उससे प्रॉब्लम है इसके अलावा रशिया और रशिया और वेस्ट का तो आपको बताइए कि रशिया और वेस्ट की तो बिल्कुल नहीं बनती है दोनों एक सुपर पावर हुआ करते थे तो गिविन दिस कॉन्टेक्स द करेंट क्राइसिस इन द यूक्रेन विल कॉन्सोलीटेटेटेटेटेट ब्रिक्स एज द ग्रुप विल मेक एफर्ट्स टू बिकम अ रियल आल्टरनेटिव टू द वेस्ट तो ऐसे में ये सारे ही कंट्रीज वेस्ट के किसी ना किसी एरिया में अगेंस्ट हैं तो यहाँ पर एक ये मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अब क्या ऐसा है कि ब्रिक्स के अंदर भी एक रिक है जिसमें रशिया इंडिया चाइना कंट्रीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है एज कंपेयर टू ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका इसके अलावा आपको पता होगा कि जब क्रेमिया का एनेक्सेशन किया था रशिया ने उसके बाद जी एट से रशिया को बाहर निकाल दिया गया था और फिर जी ग्रुपिंग बची थी जी इसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि रशिया को यू एन एच से भी सस्पेंड कर दिया गया है तो रशिया को यहां पर बेसिकली आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है तो ऐसे में रशिया के लिए ब्रिक्स जैसी ग्रुपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है तो टेक्टिकली एटलीस्ट रशिया एंड चाइना माइट बी प्लेइंग देयर ओन ट्राइंगुलर इंटेग्रेशनिस्ट कार्ड विद इन ब्रिक्स एट मॉस्कोज इनिशिएटिव तो नाइदर इंडिया नॉर्ट चाइना मे बी ऑन बोर्ड विद आइसोलेटिंग मॉस्को तो इंडिया और चाइना तो बेसिकली यहां पर मॉस्को को आइसोलेट नहीं कर रहे हैं जैसे कि इंडिया और चाइना बेसिकली यहाँ पर अपस्टेन कर रहे हैं कोई भी वोटिंग होती है तो इनफैक्ट बोथ द एशियन जॉन्ट्स इंडिया एंड चाइना मे स्टैंड अप टू रीप द तो ऑफ बोथ द यूक्रेन इम्प्रोग्लियो प्लेज आउट आपको पता है कि वेस्ट भी हमें अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है और रशिया भी हमें यही चाहता है कि हम रशिया के सपोर्ट पर रहें तो रशिया हैज एवरी इंसेंटिव टू अकोमोडेट बोथ इंडिया एंड चाइना इन द एनर्जी सेक्टर तो अब रशिया जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा अगर वेस्ट पूरी तरीके से रशिया के ऊपर सैक्शन लगा देगा तो दो ही कंट्रीज बचे रशिया के पास इंडिया और चाइना तो so, यहां पर जरूरत है रशिया को कि जो रशिया का एनर्जी सेक्टर है उसमें वह अकोमोडेट करे इंडिया और चाइना को इसके अलावा जैसे कि बात की गई थी कि रुपए रूबल ट्रेड हो सके रुपये रूबल जैसा एग्रीमेंट बनाया जा सके और इसके अलावा डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस कम की जा सके तो ये भी हमें करना चाहिए दिस ऑलसो एंकर इंडिया क्वेस्ट टू बिल्ड अ डेडिकेटेड पेमेंट मैकानिजम फॉर एनर्जी रिलेटेड पेमेंट्स तो जैसा अभी हमें देखने को मिला कि जैसे कि यहाँ पर रशिया को स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया तो ऐसे में इंडिया को पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए और इंडिया को यहाँ पर एक मकानिज्म बना लेना चाहिए फॉर एर्नर्जी रिलेटेड पेमेंट्स कि जिसकी वजह से अगर कभी भी अमेरिका किसी भी कंट्री के ऊपर सैक्शन लगाते हैं तो हमारे साथ प्रॉब्लम ना आए हम आसानी से ट्रीट कर सकें द रजियाज इन्विजन ऑफ यूक्रेन अपियर टू हैव अनविटिंगली पुट इंडिया एट द स्वीट सेंटर ऑफ अ डिप्लोमेटिक ट्राइंगल इन द इंडो पैसेफिक जैसे कि आपने देखा रशिया के फॉरन मिनिस्टर इंडिया में आए थे ब्रिटेन नीदरलैंड्स बहुत सारी कंट्रीज जो है इंडिया में आ रहे हैं तो इससे ये पता चल रहा है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी वजह से हमारी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा बढ़ गई है तो न्यू डेली इज बास्किंग इन इट्स वेल डिजर्व स्पॉटलाइट विद अ वेल क्राफ्टड डिप्लोमेसी इंडिया कुड बी लुकिंग एट अ न्यू डॉन आफ्टर ऑल जो रिक कंट्रीज हैं रशिया इंडिया चाइना ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ट्वेंटी टू परसेंट ऑफ द ग्लोबल जी डी पी को और सिक्सटीन परसेंट ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्ड एंड सर्विसेज तो बेसिकली ये जो ब्रिक्स ग्रुप है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को क्रिएट करने में आगे हम चलते हैं हिंदुज्म एंड गवर्नेंस ये आर्टिकल ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यहाँ पर कुछ डेटा है जो कि आप कभी कोट कर सकते हो तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं तो बेसिकली यहाँ पर दो रीसेंट सर्वेस की बात की गई एक्सटेंट वर्ल्ड वैल्यू सर्वे 2021 और नेचर प्यू रिसर्च सेंटर 2021 इसमें हमें थ्री सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिली है पहला ये इंडिया एक आउटलायर रहा है दो से हमें रिलीजियोसिटी डिक्लाइन देखने को मिली पर इंडिया में ऐसा नहीं देखने को मिला तो मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सेप्शन टू द ग्लोबल ट्रेंड सिंस टू थाउजेंड ऑफ डिक्लाइनिंग रिलीजियोसिटी दूसरी बात ब्रॉड बेस्ड धार्मिक आइडेंटिटी की जो सेलियंस है वो अभी भी उतनी ही बनी हुई है तो टू विद इन इंडिया द कंटिन्यूड सेलियस ऑफ अ ब्रॉड बेस्ड धार्मिक आइडेंटिटी जो एट्टी फोर परसेंट सिटीजन है वो या तो हिंदूज हैं सिख्स हैं बुद्धिस्ट हैं जेंस थर्ड इंडियंस अक्रॉस एवरी ग्रुप कोई भी कम्युनिटी हो सारे इंडियंस की प्रॉब्लम सेम ही है अब उनकी प्रॉब्लम क्या है अगर उनसे पूछा गया कि आपकी क्या कॉब्लम्स है तो दीज वर एन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इंपॉर्टेंस अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है करप्शन सेकंड नंबर पे प्रॉब्लम है क्राइम वॉयेंस अगेंस्ट वुमेन एंड कम्युनल वॉयेंस तो बेसिकली सारे ही कम्युनिटीज़ की प्रॉब्लम सेम है तो अक्षर ने बोला है कि हिंदू सिविलाइजेशन जो है हम हिंदू सिविलाइजेशन का धर्म का प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं गवर्नेंस प्रोवाइड करने के लिए तो वी बिलीव द कोइंसिडेंस ऑफ दीस टू ऑब्जर्व फिनोमेना एंड अनयूजुअली यूज रिवाइवल ऑफ रिलीजियोसिटी इन अ रैपिडली मॉडर्नाइजिंग इंडिया तो इंडिया में मैंने आपको बताया कि जैसे हर जगह रिलीजियोसिटी डिक्लाइन हो रही है लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है अब इंटू इंडिपेंडेंस इज अ अबस्ट फाइंडिंग इन इट वी एक्सप्लोर वॉट अट धार्मिक अप्रोच टू गवर्नेंस माई टेप्लाई तो यहाँ पर ऑथर ने ये बताया कि धार्मिक अप्रोच क्या हो सकती गवर्नेंस की तो वी बिलीव द सिविलाइजेशन एसेंस ऑफ द हिंदू ट्रेडिशन इज कैप्चर्ड इन इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्रुथ एंड द रिलेटेड नोशन ऑफ धर्म धर्म को यहाँ पर आप तीन लेवल पर समझ सकते हैं मेटाफिजिकल लेवल इंडिविजुअल लेवल और सोसाइटल लेवल तो बेसिकली ऑथर का यही कहना है कि धर्मा का मतलब यह है कि गवर्नमेंट एबिलिटी टू इनेबल एंड एम्पावर इंडिविजुअल्स की आपको इंडिविजुअल्स को एम्पावर करना है जो भी डिफरेंट कॉन्स्टिटुंसीज में इंडिविजुअल्स है सबको आपको एम्पावर करना है और उनको गवर्न करना है ताकि वो अपने ओन धर्मों को फॉलो कर सकें तो इट रेस्ट इंस्टेड ऑन अ गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू इनेबल एंड एम्पावर इंडिविजुअल्स एंड द डिफरेंट कॉन्स्टिटुंसीज अमंग द गवर्न टू फॉलो देयर ओन धर्मा जो पॉलिसीज़ हैं वो सारे ही इकोनॉमिक सेक्टर्स के लिए होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रेडिंग ताकि सारे ही यहाँ पर जो सेक्टर्स से है वो ग्रो कर सकें और लोगों में वेल्थ क्रिएशन हो सके तो टू तो फंक्शन इज़ स्मूथली एंड एज पॉसिबल टू तो एनेबल द क्रिएशन ऑफ वेल्थ इफ अ आर रिटर्न टू अ गवर्नेंस दैट इज रूटेड इन हिंदू सिविलाइजेशन क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने धर्म को फॉलो कर सकेंगे तो बेसिकली हम हिंदू सिविलाइजेसन की तरफ भी चले जाएंगे और जो वेस्ट के यहाँ पर कॉन्सेप्ट सेपरेशन ऑफ द स्टेट और रिलीजन वो भी हम यहाँ पर फोकस कर सकते हैं तो बेसिकली ऑर्थर का यह कहना है जो हिंदू सिविलाइजेशन की अच्छी चीज है वो भी ले लो और यहां पर जो वेस्ट की अच्छी चीज है वो भी ले लो तो सच ए बैलेंस वो डिस्ट्राइव टू री स्टोर विदन मॉडर्न ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी पॉलिटी इकॉमी एंड सोसाइटी एंड ऑर्डरमेंट ऑफ धर्म फॉर ऑल ऑफ इंडिया सिटीजन तो यहां पर धर्म अटेन करना है तो लोगों को आपको इम्पावर करना है लोगों लोगों को आपको सारी फैसिलिटीज देनी है लोगों में आपको वेल्थ क्रिएट करनी है अब अब हम आगे चलते हाँ पर जो पीस डील है वो हो नहीं पा रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में क्योंकि रशिया का ये कहना है कि यूक्रेन के कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको हम एग्री नहीं कर सकते हैं तो क्रेमलिन एज नहीं है अब फ्रांस में इलेक्शन होने वाले बेसिकली संडे को वोटिंग होगी एक तो इमैनुअल मैक्रॉन एक कैंडिडेट दूसरी जो कैंडिडेट हैं वो है माराइन लेपेन तो बेसिकली एक लेडी ये है और एक इमैनुअल मैक्रॉन अब इनकी पॉलिसीज कैसी होंगी तो उनका ये कहना है ओपिनियन पोल्स तो ये दिखा रहे हैं कि परचेजिंग पावर जो है यहाँ पर मेन मुद्दा है इलेक्शन का तो ओपिनियन पोल्स शो परचेजिंग पावर इज वोटर्स टॉप कंसर्न क्योंकि एनर्जी प्राइस बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है तो परचेजिंग पावर मेन कंसर्न है तो सर्वे शो वोटर्स आर अनहैप्पी विद मैक्रॉन इकोनॉमिक पॉलिसी बट अनएम्प्लॉयमेंट इज एट इट्स लोएस्ट इन ईयर्स और उसकी वजह से हो सकता है कि मैक्रोन को ज्यादा यहाँ पर वोट्स मिल जाए तो ले पेन स्कॉफ्ट एट वॉट शी कॉल्ड डू मॉन्गरिंग ये बेसिकली इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे तब हम देख लेंगे ये बन गई है केतानजी जैक्शन जेक, तो केतानजी ब्राउन जैशन वॉज कन्फर्म बाई द सेनेट ऑन थर्सडे इज द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू सर्व ऑन द सुप्रीम कोर्ट तो फर्स्ट वुमन फर्स्ट ब्लैक वुमन टू सर्व ऑन द सुप्रीम कोर्ट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स तो वो बन गई है केतानजी ब्राउन जैक्सन इंडोनेशिया पाम ऑयल क्राइसिस ये आर्टिकल इंटरेस्टिंग है ये हम डिस्कस करेंगे तो इट्स रेयर फॉर एनी कंट्री जो इंडोनेशिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है पाम ऑयल का उसके बाद भी यहाँ पर ऑयल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो इट्स रेयर फॉर एनी कंट्री दैट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ अ प्रोडक्ट टू एक्सपीरियंस डोमेस्टिक शॉर्टेज ऑफ द सेम प्रोडक्ट तो यहाँ पर ये यह लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फिर भी यहाँ पर कमी हो रही है पाम ऑयल की सो मच सो एज टू फोर्स इट्स गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस प्राइस कंट्रोल्स इतनी ज़्यादा कमी होगी कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्राइस कंट्रोल्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं शिपमेंट्स के ऊपर यहाँ पर कर्व कर दिया है बट दैट इज़ प्रसाइटली द स्टोरी ऑफ इंडोनेशिया पाम ऑयल जो यहाँ पर इंडोनेशिया है यह प्रोड्यूस करता है फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव मिलियन टन ऑफ पाम ऑयल दैट्स ऑलमोस्ट सिक्सटी परसेंट ऑफ द टोटल ग्लोबल आउटपुट इसके अलावा यह वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर वन एक्सपोर्टर है पाम ऑयल का और ट्वेंटी नाइन एम टी ये यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है जो सेकेंड नंबर पर है वो है मलेशिया और मलेशिया यहाँ पर सिक्सटीन पॉइंट टू टू एक्सपोर्ट करता है तो ट्वेंटी नाइन मिलियन टन से एक्सपोर्ट करता है मलेशिया सिक्सटीन पॉइंट टू टू मिलियन टन से एक्सपोर्ट करता है तो आपको ये पता चल गया टॉप टू लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स कौन से हैं तो ये पहला इंडोनेशिया दूसरा यहाँ पर मलेशिया और जो एक्सपोर्टर्स है वो भी यही है इंडोनेशिया और दूसरा यहाँ पर मलेशिया लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए मलेशिया जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है येट द कंट्री हैज सीन डोमेस्टिक प्राइजेस ऑफ ब्रांडेड कुकिंग ऑइल स्पायरलिंग उसके बाद भी हम देख रहे हैं यहाँ पर जो पाम ऑल उसका प्राइस लगातार बढ़ रहा है इंडोनेशिया में अब इसके क्या रीज़न हो सकते हैं तो इसके बेसिकली दो रीज़न्स बताए गए हैं दे आर टू पॉसिबल रीज़न्स पहली बात जो बाकी और कुकिंग ऑयल्स हैं जैसे कि सोयाबीन ऑयल सनफ्लावर ऑयल ये जो है ये सप्लाई करता है यूक्रेन और रशिया तो यूक्रेन और रशिया टुगेदर अकाउंट फॉर नियरली एटी परसेंट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इन सनफ्लावर ऑयल तो बेसिकली अब जो लोग थे जो सोयाबीन ऑयल या सनफ्लावर ऑयल को कंज्यूम करते होंगे वो भी अब पाम ऑयल पे आ गए हैं क्योंकि सोयाबीन और सनफ्लावर की जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से लोग जो हैं बाकी लोग जो इंडोनेशिया के वो भी यहाँ पर पाम ऑयल के ऊपर शिफ्ट हो गए तो यूक्रेन एंड रशिया टुगेदर अकाउंट फॉर नियरली एटी ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इन सनफ्लावर ऑयल जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इंडोनेशिया में जो प्राइस है पाम ऑयल की वो लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि सेंक्शंस लगा दिए गए हैं रशिया के ऊपर जिसकी वजह से जो रशिया है वो पाम ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से जो पाम ऑयल लोग कंज्यूम करते थे सोयाबीन सनफ्लावर ऑयल कंज्यूम करते थे वो भी अब यहाँ पर पाम ऑयल को कंज्यूम करने लग गए हैं आगे चलते हैं सोयाबीन ऑयल टू इज फेसिंग सप्लाई इशूज ड्यू टू ड्राई वेदर इन साउथ अमेरिका तो सोयाबीन ऑयल की प्रोडक्शन साउथ अमेरिका में कम हुई है क्योंकि वहाँ पर ड्रॉट जैसी कंडीशन हो गई हैं सप्लाई टाइटनेस इन सनफ्लावर एंड सोयाबीन फ्राम वॉर एंड ड्रॉट हैज इन टर्न ट्रांसमिटेड टू पाम ऑयल तो बेसिकली सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल की कमी हुई है जिसकी वजह से सारे ही लोग यहाँ पर पाम ऑयल के ऊपर स्विच कर गए हैं सेकेंड फैक्टर जो है वो पेट्रोलियम से लिंक्ड है इंडोनेशियन गवर्नमेंट का एक ऑर्डर ये था कि थर्टी परसेंट ब्लैंडिंग की जाएगी डीजल की पाम ऑयल के साथ तो यहाँ पर जो ब्लेंडिंग की बात है तो बेसिकली ज़्यादा जो पाम ऑयल है वो यहाँ पर ब्लेंडिंग में चला जा रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर हमें शॉर्टेजेस देखने को मिल रही है इंडोनेशिया में और इंडोनेशिया में जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइस बढ़ रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पर दो रीज़न दिया गया था पहला रीजन ये कि सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल की जो प्रोडक्शन है वो उतनी नहीं हो पा रही सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रहे हैं और दूसरी बात जिसकी वजह से वो जो ऑडियंस है वो स्विच कर रही है टू द पाम ऑयल और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि पेट्रोलियम के साथ इन्होंने ब्लेंडिंग करना शुरू कर दिया इंडोनेशिया वालों ने और ब्लेंडिंग करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से जो ज़्यादा पाम ऑयल है वो यहाँ पर डाइवर्ट हो जा रहा है फॉर द ब्लेंडिंग वॉट इज़ यू एन एच आर सी मेम्बरशिप रशिया हैज़ लॉस्ट तो यहाँ पर यू एन एचर सी की बात की गई है जो यू एन एच आ सी है उसने थर्सडे को सस्पेंड कर दिया रशिया को यू एन एच आ सी से बेसिकली यू एन जी ने यहाँ पर रशिया को सस्पेंड कर दिया फ्रॉम द यू एन एचआर सी क्योंकि यहाँ पर बूचा में किलिंग्स हुई थी सिविलियन किलिंग्स हुई थी उसके बाद यहाँ पर, पर यह डिसाइड किया गया कि यू एन एचआरसी से यहाँ पर रशिया को सस्पेंड कर देते हैं अब जो यू एन एचआरसी है वो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका काम है फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये सिर्फ देती है इसके कोई भी बाइंडिंग नहीं होते हैं तो इट मेक्स रिकमेंडेशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो काउंसिल है वो 2006 में बनाई गई थी उससे पहले एग्जिस्ट करता था यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स तो उसको यहाँ पर रिप्लेस करके बनाया गया था यूएनएचआरसी एन एच आर सी अब मेंबरशिप काउंसिल इज मेड बाई फोर्टी सेवन मेबर स्टेट्स तो हर समय यहाँ पर फोटी सेवन मेबर स्टेट्स होते हैं जो कि इलेक्ट होके आते हैं बाई द यू एन जे तो यू एन जे के मेंबर्स यहाँ पर वोट करते हैं उसके बाद यहाँ पर यू एन एचआरसी में मेंबर एलेक्ट होते हैं अफ्रीकन और एशिया पैसिफिक स्टेट्स के लिए तेरह सीट्स हैं लैटिन अमेरिका और कैरेबियन स्टेट्स के लिए आठ सीट्स हैं वेस्टर्न यूरोपियन और अदर स्टेट्स के लिए सात सीट्स हैं और ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स के लिए छः सीट्स हैं जो मेंबर स्टेट्स हैं वो यहाँ पर तीन साल के लिए सर्व करते हैं रशिया का जो टर्म था वो भी अभी तीन साल ही का था और जो रशिया का टर्म है वो शुरू हुआ था जनवरी एक दो हज़ार इक्कीस को तो बेसिकली अभी दो साल और बचे थे रशिया को द यू एन चीज टेक्स इं अकाउंट द कैंडिडेट्स स्टेट कॉन्ट्रीब्यूशन तो बेसिकली मेम्बर बनने के लिए सिर्फ एक ही एलिजिबिलिटी कंडीशन ये है कि आप यहाँ पर ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करते हो तो बेसिकली यू एन का यही कहना है कि जो रशिया इसने ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन किया तो बेसिकली इन्होंने इसी वजह से हम यहाँ पर रशिया को यू एन एचआरसी से बाहर निकाल रहे हैं जो दूसरा ये है आर्टिकल ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्टर्स तो यहाँ पर ये यह बताया गया है एक एग्जाम की बात की गई नेक्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट तो यहाँ पर किसी भी डॉक्टर को लाइसेंस लेना होगा तो उसको यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा तो एज पर द गाइडलाइंस इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैव टू कंप्लीट दर एम तो पहले एम कंप्लीट करना होगा फिर बारह साल की बारह महीने की इंटर्नशिप करनी होगी सॉरी बारह साल नहीं बारह महीने की इंटर्नशिप करनी होगी और उसके बाद उनको यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम के लिए अपियर होना होगा और अगर नेक्स्ट एग्जाम वो क्वालिफाई करते हैं तभी उनको यहाँ पर एक लाइसेंस मिलेगा इसके अलावा को कोई अगर फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट है तो उसको भी अब यही एग्जाम क्वालीफाई करना होगा नेक्स्ट वाला तो फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट्स जिसको यहाँ पर डिग्री मिली है फ्रॉम इक्वल इन डिग्री फॉरन मेडिकल कॉलेज से तो इन अदर कंट्रीज भी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन दैट कंट्री उसके बाद यहाँ पर ट्वेल्व मंथ की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी और उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम को क्वालीफाई करना पड़ेगा तो नेक्स्ट एग्जाम वैसा ही है जो कि एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया सेट कर देगा कि आपको इस एग्जाम को क्वालीफाई करना है भले ही आप यहाँ पर फॉरेन ग्रेजुएटेड हो या इंडियन ग्रेजुएटेड हो अगर आप इस एग्जाम को यहाँ पर क्वालीफाई कर लेते तो आपको यहाँ पर लाइसेंस मिल जाएगा तो ये नेक्स्ट एग्जाम आपको इतना पता होना चाहिए नेशनल एग्जेट टेस्ट अब आई 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 का ये कहना है कि जो इनकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि सौ करोड़ होने चाहिए तभी आप यहाँ पर इंश्योरेंस फॉर्म खोल सकते हो तो इंश्योरेंस रेगुलेटर इज प्लानिंग टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क टू इनेबल न्यू एंटिटीज टू एंटर द इंश्योरेंस मार्केट तो बेसिकली इनका ये कहना है कि अगर आपके पास दस पंद्रह करोड़ रुपये भी हैं एक आप पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में इंश्योरेंस का, का काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज रिव्यूंग द रुपीज हंड्रेड करोड़ कैपिटल विच इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एनी प्लेयर टू बिगिन एन इंश्योरेंस वेंचर तो बेसिकली अभी यह कोशिश करेंगे कि जो क्राइटेरिया इसको कम कर दिया जाए पंद्रह करोड़ तक भी अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर इंश्योरेंस में वेंचर कर सकते हो इन डिस्ट्रिक्ट और आई आर इसके अलावा प्लान ये कर रही है कि जो हमारी गाइडलाइंस हैं जो हमारे पास रूल्स हैं उनको रूल्स को थोड़ा कम कर दिया जाए थोड़ा रिलैक्स कर दिया जाए ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स इंश्योरेंस वेंचर में आ सकें डिजिटल बैंकिंग यूनिट नॉर्म्स बनाए जाएंगे तो बेसिकली यहाँ पर पचहत्तर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बनाई जाएंगी पचहत्तर डिस्ट्रिक्ट्स में अब डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स क्या होती हैं तो डिजिटल बैंक यूनिट इज अ स्पेशलाइज फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट और हब हाउसिंग जहां पर आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा आप वहाँ पर डिजिटल सर्विसेज को अवेल करा सकते हो तो बेसिकली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा जहाँ पर आप डिजिटल सर्विसेज को अवेल करा सकते हो इसके लिए कौन अप्लाई कर सकते हो तो कमर्शियल बैंक अप्लाई कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक अप्लाई नहीं कर सकते पेमेंट बैंक अप्लाई नहीं कर सकते और लोकल एरिया बैंक अप्लाई नहीं कर सकते तो ये तीन अपलाई